राजस्थान विश्वविद्यालय की ओर से बुधवार को शुरू हुए दो दिवसीय 18वें अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव घूमर में दूसरे दिन घूमर पंडाल में हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज हरियाणा मेडल फैक्ट्री है। ओलंपिक से लेकर कॉमनवेल्थ गेमों तक जब भी राष्ट्र की बात आती है तो खेलों के अंदर हरियाणा का नंबर अव्वल पर आता है। हरियाणा और राजस्थान में कोई फर्क नहीं है, माटी का एक खान पान, एक रहन सहन, सब एक है। राजस्थान विश्वविद्यालय भी खेलों के मामले में इतना एक्सल करे कि हिमालय से ऊंचा झंडा आपकी यूनिवर्सिटी का खेलों में आए। इसके लिए राजस्थान विश्वविद्यालय के महासचिव अरविंद जाजड़ा, अध्यक्ष निर्मल चौधरी और यूनिवर्सिटी के लोगों को राजस्थान यूनिवर्सिटी के VC प्रोफेसर राजीव जैन और DN स्टूडेंट वेलफेयर एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट एडवाइज़र नरेश मलिक को जहाँ कहीं भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम साथ देंगे। इससे पहले घूमर महोत्सव में पहुंचे कलाकारों से हमारे वरिष्ठ सहयोगी ललित तिवारी ने खास बातचीत की। राजस्थान विश्वविद्यालय में घूमर का आयोजन किया जा रहा है और इसमें बड़ी संख्या में टीमें आई हुई हैं जो अलग अलग मंच पर अपनी प्रस्तुति देंगी। उसमें गायन होगा, वादन होगा, इसके अलावा अलग अलग प्रतियोगिता भी रखी गई। आज हम बात करेंगे इन लोक कलाकारों से और पूछेंगे कि उनकी तैयारी किस तरह रही। नमस्ते, पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है। शुक्रिया। कहाँ से आए हो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पोहब कुमार लायल है और मैं दयालबाग यूनिवर्सिटी, दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा से आया हूँ, उत्तर प्रदेश। जब आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी के बारे में, घूमर के बारे में सुना तो किस तरह की तैयारी की और किस तरह का आयोजन रहा? हमने कई महीनों की तैयारी करी। हमने जैसे हम यहाँ पर हम फोक म्यूजिक के लिए आए हैं, हमने तकरीबन 2 महीने की तैयारी करी थी और बहुत ही अच्छी तरह, मतलब हमने सिस्टमेटिक वे में तैयारी करी है। हमारे यहाँ पर 2 तरीके के हो रहे हैं, एक समूह गान भी हो रहा है और एक सोलो गान भी हो रहा है। आप किस तरह की प्रस्तुति देंगे, अगर प्रस्तुति की बात की जाए तो किस तरह की? हम राजस्थानी लोकगीत की प्रस्तुति दे रहे हैं। हमारे कुछ ये 10-11 लोग आए हैं जो हमारे ग्रुप में गाना गाएंगे। मैं यहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी का फिजिकल डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आज क्या प्रस्तुति देंगे आप और किस तरह का आयोजन रहेगा? आज मेरा राजस्थानी फोक डांस रहेगा जिसमें मैं मटकी नृत्य करूँगा, जिसमें कांच के गिलास होंगे और कांच के गिलासों के ऊपर मटकी रहेगी और मेरा पानी छलकाऊंगा मैं। इस तरह का जो नृत्य है वो बड़ी तपस्या के साथ आता है, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह की मेहनत करनी पड़ी, इसकी कितनी तैयारी करनी पड़ी? सर, मेरे को मटकी डांस करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए 5 साल हो गए सर, और 5 सालों में मैंने अभी मैं स्टेज पे जाके परफॉर्म करूँगा तब आप लोगों को भी दिख जाएगा कि मैंने कितनी तपस्या करी है, कितनी मेहनत करी है उस चीज़ के लिए। और मैं यूथ फेस्टिवल यहाँ पे हुआ था हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी में, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो वहाँ पे मेरी फर्स्ट रैंक लगी थी, तो उसके मतलब यहाँ पे मैं यहाँ पे आया हूँ इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल। हम आगे और बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है। अगर बात की जाए तो किस तरह की तैयारी की है आपको जब पता लगा कि जयपुर जी? हमारी पूरी टीम थी ऐसा पोहब ने बताया, तो हम लोग साथ में एक 1.5 महीने से तैयारी करते हुए आ रहे हैं हम, और जैसे हमें पता चला कि राजस्थान में एक यूथ फेस्टिवल हो रहा है तो हमने पहले से तैयारी की थी और अब यहाँ आए हैं, तो देखते हैं क्या होता है। राजस्थान भी, दरअसल जयपुर की बात की जाए तो जयपुर में भी बहुत सारे घराने हैं जो गायन वादन और इसमें नंबर 1 हैं, और आप ये देखो जगह जगह अपना टैलेंट उनका दिखता भी है, तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ कंपटीशन कितना टफ है? कंपटीशन तो टफ है क्योंकि इंटरनेशनल है इसलिए, और बाकी ये कि अब करेंगे तो जज के ऊपर है वो कितना अच्छा से देखते हैं। आपने किस तरह की तैयारी करवाई, कितना? हमारी तैयारी तो अच्छी है काफ़ी, और अभी हमारा फोक डांस, फोक सॉन्ग भी होने वाला है जिसको अभी हमारा नंबर आने वाला है उसके में हम परफॉर्म करेंगे, तो यही है। मैडम, सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताऊं कि जयपुर में जो लोक संस्कृति है ना वो बहुत सबसे ज़्यादा आगे रही है, तो यहाँ जो आप यहाँ का जो आयोजन है किस तरह का आपका अनुभव रहा और किस तरह की? अभी तक तो हमें केवल 2 दिन हुए हैं, तो जैसा कि आपने संस्कृति की बात की तो संस्कृति में तो राजस्थान जयपुर बहुत ही उच्च स्तर पर है। यहाँ पे अगर संस्कृति की बात की जाए, संगीत की बात की जाए, हमारे भाषा की बात की जाए या वेशभूषा की बात की जाए, और अभी हम कल आए तो राजस्थान यूनिवर्सिटी जिस तरह से यहाँ पे इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल का आयोजन कर रही है
है, हमारा बहुत अच्छे ढंग से स्वागत किया गया, हमारी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई हमारे लिए, और अभी तक तो हमारा बहुत अच्छा अनुभव रहा है। आगे हम देखते हैं किस तरह से होता है हमारा। अच्छा, एक जब आपको यह पता लगा होगा कि यहाँ 35 टीमें भाग लेने आई हुई हैं, तो क्या लगता है आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये आया कि थोड़ी सी मेहनत इसमें ज़्यादा करनी पड़ेगी? मेहनत तो हम अगर मैं बात करूं तो 2-3 महीने से कर रहे थे, 1.5-2 महीने से, और पहले भी दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने बहुत से यूथ फेस्टिवल्स में नेशनल प्राइजेस विन किए हैं, बहुत सारे म्यूज़िक इवेंट्स में, म्यूज़िक में विनर भी रहा है, तो तैयारी हमारी बहुत अच्छी है और यहाँ का स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा है। अब देखते हैं कि हम कॉन्फिडेंट हैं बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, तो देखते हैं कि यहाँ के स्टैंडर्ड के हिसाब से हम किस तरह कम्पीट कर पाते हैं और किस तरह से हमें प्राइज़ मिलता है। किस तरह की प्रस्तुति होगी मैडम, जो उसमें थोड़ा सा और हमारे जो दर्शक हैं उनको? हम लोग राजस्थानी लोकगीत प्रस्तुत करेंगे आज के हम अपने फोक सॉन्ग में, और सोलो में हम पूर्वांचल का एक लोकगीत प्रस्तुत कर रहे हैं पूर्वी बयरिया में, उड़ावेली चुनरिया बांध के पिरीतिया की डोर। और हम अपना फोक ग्रुप के लिए, तो हम जब राजस्थान में आए तो हम देखा हम अपने राजस्थानी गीत से ही राजस्थान को हम आभार व्यक्त करेंगे, तो हमारा जो राजस्थानी गीत है वो हे रूड़ी चेरा धनिया राजा, अजमल रा कवर माता मेड़ी धेड़ा लाल रतन, देसरा भड़तार मारो, हेलो सुनो जी रामा पीर मारो, हेलो सुनो जी रामा पीर। जिस तरह से घूमर का यहाँ आयोजन हो रहा है उसके लिए जब आपको सूचना मिली तो कितनी तैयारी करनी पड़ी, आप कितनी तैयार हैं इसके लिए? तैयार तो फुल है, पर मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है यहाँ आने का, और मैं पहली बार तेरे ताल डांस परफॉर्मेंस कर रही हूँ, तो थोड़ा सा नर्वस हूँ पर एक्साइटमेंट भी है करने का। अच्छा, उदयपुर की जो मैंने संस्कृति के बारे में सुना हो कि बहुत जो चाहे वो लोक नृत्य हो चाहे गायन हो वादन हो सभी में बहुत आगे रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ जो 35 टीमें आई हैं उसमें किस तरह का मुकाबला रहेगा? मुकाबला तो होगा ऑब्वियसली, पर मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मेरी टीम जीते, मैं जीतूँ और मेरा कॉलेज जीते। मैं यहाँ पर डिबेट प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आया हूँ, और वास्तविक रूप से देखा जाए तो पिछले 4-5 दिन से मैं नरेश मलिक साहब के साथ मिलकर एक कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य कर रहा हूँ, जो कि इस प्रोग्राम को वो कंडक्ट करवा रहे हैं, DSW हैं वो यहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी के, तो मैं उनके साथ मिलकर इस प्रोग्राम में जितने भी जो बाहर के पार्टिसिपेंट आ रहे हैं उनको राजस्थान यूनिवर्सिटी के बारे में बताना और इस प्रोग्राम में उनको पार्टिसिपेट करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई दुविधा न हो इसके लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है और कॉम्पिटिशन भी काफ़ी है, पर हम अपना 100% देंगे और कोशिश करेंगे कि जीत के जाएं। 3 साल बाद ये हो रहा है फिर से, कोरोना की वजह से ये हो नहीं पाया था। तैयारी हमें कुछ टाइम पहले ही इसकी इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो तैयारी तो हमने 2 दिन में ही करी है, और इससे पहले हम अम्बाला भी गए थे, वहाँ पर भी बेस्ट जोन हुआ था, कॉम्पिटिशन हुआ था, वहाँ पर भी हमने अपना बेस्ट दिया था, और इस बार भी हम आए हैं तैयारी करके और हम बेस्ट देने ही आए हैं। तो आपने देखा ये थे स्टूडेंट जो जिनका कहना था कि हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं और इस उम्मीद के साथ आए हैं कि जयपुर में हमें जो पुरस्कार है वो पहला मिलेगा। कैमरामैन संजय शर्मा के साथ ललित तिवारी, जयपुर।